राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम भारत के बंदरगाह एक परिचय। सोनू एक प्यारा सा बच्चा है, हंसमुख चंचल पर थोड़ा नटखट भी। उसे समुद्र के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल की छुट्टियां होते ही वो अपने चाचा जी कैप्टन अशोक के साथ, जो मर्चेंट नेवी में है, समुद्री यात्रा पर निकल जाता है। आइए देखें सोनू अपने चाचा जी के साथ क्या बातें कर रहा है। चाचा जी वो देखिए। क्या? दूर वहाँ मुझे एक जहाज आता दिखाई दे रहा है। वो? हाँ, हाँ बेटा, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ जहाज आकर ठहरते हैं। ओ। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ। हाँ, और ये देखिए यहाँ तो जहाजों में सामान चढ़ाया और उतारा भी जा रहा है। हाँ बेटा, पर ये जगह कौन सी है जहाँ आप और मैं खड़े हैं? ये स्थान कहलाता है पोर्ट, यानी पत्तन या बंदरगाह। पर ये बंदरों के रहने की जगह नहीं है। जानता हूँ जानता हूँ, ये बंदरों के रहने की जगह नहीं है, यहाँ पर जहाज ही खड़े हैं। पर चाचा जी इसे बंदरगाह क्यों कहते हैं? देखो सोनू बेटा, बंदर शब्द का एक अर्थ है नौका, और बंदरगाह का अर्थ है नौकाओं के ठहरने का स्थान। तो इस तरह पोर्ट को भी बंदरगाह कहा जाने लगा। अब समझा चाचा जी। अच्छा सुनो बेटा, वो देखो वहाँ, देखो उधर जो जहाज देख रहे हो ना, उस जगह को पोताश्रय कहते हैं। पोताश्रय? जलपोत या आश्रय स्थान जहाँ जहाज सुरक्षित खड़े रहते हैं और विनाशकारी लहरों से सुरक्षित रह सकते हैं, उस जगह को पोताश्रय कहा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पोताश्रय में समुद्री जहाजों की मरम्मत भी होती है। चाचा जी, वास्को डा गामा समुद्री जहाज से ही केरल पहुंचे थे ना? हाँ बेटा, तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका? हाँ, कोलंबस ने। शाबाश, बहुत अच्छे। कोलंबस ने भी समुद्री जहाज से ही यात्रा की थी। अच्छा। कोलंबस से पहले भी समुद्री यात्राएं होती थी, लोग समुद्री नावों से आते जाते थे। आज भी अधिकतर भारी सामान को लाने ले जाने के लिए समुद्री मार्गों का प्रयोग होता है। मतलब जिस तरह सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं और रेल की पटरी पर रेल चलती है, लेकिन समुद्रों में मार्ग कैसे होते हैं? नहीं बेटा, ये वैसे मार्ग नहीं होते, न सड़कें होती हैं न ही रेल की पटरियां। तो फिर समुद्र में कोई निश्चित मार्ग नहीं होता बेटा। अच्छा। देखो, निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए मार्ग दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास प्रयोग में लाए जाते हैं। इन मार्गों की न तो देखरेख की जरूरत होती है और न ही मरम्मत की। अच्छा चाचा जी, एक बात तो बताइए। पूछो। क्या समुद्र पर कहीं भी बंदरगाह बना सकते हैं? नहीं सोनू बेटा। देखो, किसी भी स्थान पर बंदरगाह तभी बन सकता है जब वहाँ पर जहाजों के खड़े होने के लिए उपयुक्त स्थान हो। उपयुक्त स्थान हो मतलब? मतलब ये सोनू बेटा, जहाँ जहाज आराम से खड़ा हो सके, पानी की गहराई काफी हो। अच्छा। तट कटा फटा एवं सुरक्षित हो, ताकि लहरों से बचाव हो सके। अब समझे? हाँ चाचा जी। सोनू और कैप्टन अशोक बंदरगाह पर चल रहे कार्यों को देख रहे हैं। अचानक सोनू पूछता है, देखिए चाचा जी, वहाँ। वो वहाँ? हाँ, उस जहाज को बांध रहे हैं। वैसे ही जैसे हमारे गांव में नदी पर नाव को बांधते थे। हाँ बेटा, पहले नावों को रस्सी से खूंटे पर बांधकर रोका जाता था। उसे लंगर डालना कहते थे। हाँ।
आज भी इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। बंदरगाह पर जहाज को रोकने के लिए अब भी लंगर डाला जाता है। पर चाचा जी, समुद्र में लंगर क्यों डालते हैं? जरा सोचो बेटा, जहाजों को समुद्र में अगर यूं ही खड़ा किया जाता तो लहरों के साथ इधर उधर ये कहीं भी जा सकते हैं। हाँ। तो जहाज को एक जगह खड़े रखने के लिए बांधा जाता है। अच्छा चाचा जी, ये रेल के डिब्बे जैसे क्या हैं? अरे ये रेल के डिब्बे नहीं हैं, इन्हें कंटेनर्स कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? कंटेनर्स। हाँ, इनमें सामान सुरक्षित ढंग से विदेशों को भेजा जाता है और वहाँ से मंगाया जाता है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से व्यापार किया जाता है। हाँ बेटा, जिस क्षेत्र का व्यापार बंदरगाह से होता है इसे उस बंदरगाह की पृष्ठभूमि या हिंटरलैंड कहते हैं। अच्छा। जिस पत्तन की पृष्ठभूमि औद्योगिक रूप से जितनी विकसित होगी वो पत्तन उतना ही व्यस्त होगा, यानी उससे उतना ही अधिक व्यापार होगा। अच्छा। हाँ चाचा जी, जहाज को कौन चलाता है? भाई जहाज को तो कैप्टन चलाता है। अच्छा। बहुत सारे उपकरणों की मदद से। हाँ, पर आप तो जहाज नहीं चला रहे। बेटा, अकेला कैप्टन ही जहाज नहीं चलाता, उसके साथ एक पूरी टीम होती है जो इन उपकरणों यानी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाती है। लेकिन सब कुछ कैप्टन की ही देखरेख में होता है। आओ सोनू, अब मुझे जहाज पर वापस जाना होगा। चलो चलो, जहाज के चलने का समय हो गया बेटा। हाँ हाँ, चलिए चाचा जी। आओ इधर। हाँ। साथ में चलो। कैप्टन अशोक और सोनू बंदरगाह के आसपास की जगह देख चुके हैं। अब वे धीरे धीरे समुद्री जहाज की ओर जा रहे हैं, अपनी समुद्री यात्रा के लिए। भारत के बंदरगाह, एक परिचय। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय परामर्श अख्तर हुसैन, विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख माधवी मेनन, निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार बाबला कोचर, नीलम मलकानिया और रसज्ञ, ध्वनियांकन चंदन सिंह, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। Thank you.